नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी का सबसे पहले अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी, जो हम लोग पिछले पार्ट में स्पीड पढ़े थे, और वेलोसिटी, दोनों लगभग लगभग सेम होता है। बस एक ही डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, जबकि स्पीड में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, उसमें भी था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड में था जो डिफिनेशन था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। ओके, वेलोसिटी में भी वही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम में, बट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट ऑफ टाइम में, इस तरह का कोई कंसेप्ट आता है तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं, दूसरा अगर डेफिनेशन की बात करें तो चीज वही है। दूसरा है द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें, वन वर्ड में अगर, वन लाइन में अगर आता है लिखने के लिए डेफिनेशन वेलोसिटी का, तो इस ढंग से हम लोग लिख देंगे द रेट ऑफ मोशन, मोशन का रेट पर यूनिट टाइम, रेट जहां पे शब्द आ जाएगा तो हो जाएगा पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब होता है रेट का, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कि मोशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट में उसका रेट। ठीक है, मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, यहां पे डायरेक्शन बता दे रहा है, पार्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है इज नोन एज वेलोसिटी। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, अब दूसरा बात करते हैं एक और डेफिनेशन के, वेलोसिटी इज ए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। जैसा मैंने बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज है, बस डायरेक्शन का फर्क हो जाता है। डायरेक्शन कैसा, पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, और इसी में से अगर हम लोग डायरेक्शन को हटा दें तो क्या कहेंगे, तो वापस स्पीड कहेंगे उसको, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और पर यूनिट ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग स्पीड कहेंगे। लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया और पर यूनिट ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस शब्द हम लोग कम यूज करेंगे, डिस्टेंस कौन हो गया टोटल पाथ लेंथ, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आ जा रहा है। ओके, तो वेलोसिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मूला हो जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है, ये हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही है, इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो v इज इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, तो s डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी v को, s और टाइम को t, कहीं कहीं स्पीड को भी s से कर देते हैं, वेलोसिटी को भी सकते हैं, तो चीज एक ही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को ऐसे ही करते हैं, आपको समझना है वहां पर डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है। ठीक है, टाइम तो t से ही होता है, तो ये है मेन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका डेफिनेशन हो जाता है। अब कुछ ऐसा यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड का भी वही होता है, वेलोसिटी का सब सेम होता है, बस डायरेक्शन का अंतर हो जाता है। अदर वेलोसिटी की बात करें तो वही सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है, किलोमीटर पर आवर हो जाता है, वेलोसिटी के केस में भी वही सेम कंसेप्ट चलता है जो स्पीड वाला में कंसेप्ट चलता है। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें, अब एक और चीज समझने का है कि जो, जैसे कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का अंतर आ जाता है। स्केलर और वेक्टर मतलब कि जिसमें अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी था क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी था क्योंकि उसमें हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन था। उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड है, और जो वेलोसिटी है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अब एवरेज वेलोसिटी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसको हम लोग कब कब चेंज मानेंगे, कब कब वो चेंज कर रहा है, अगर वो अपना स्पीड को, उसके जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब जो वैल्यू है, वो अगर आगे पीछे हो रहा है, जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो 19 होता है, 21 हो जाता है, 25 हो जाता है, कुछ भी अगर चेंज करता है, जब उसके स्पीड में मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, तो उसको हम लोग वेलोसिटी का चेंज मानेंगे। ओके,
अगर उसके साथ इसमें डायरेक्शन का भी तो क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड के साथ, अगर उसका स्पीड सेम रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर फील्ड पे मूव कर रहा है, कोई स्क्वायर फील्ड है उसके जो हर जो एंगल है उसका 4 कॉर्नर होगा और हर कॉर्नर पे ऑब्जेक्ट वो मूव कर जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब कि राइट एंगल से मुड़ जाएगा, तो यहां पे भी वेलोसिटी का चेंज हम लोग मानेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग वेलोसिटी मतलब कि उसकी वेलोसिटी हम लोग चेंज मानेंगे, ठीक है, जबकि स्पीड में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कांसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो रहा है तब तो उसका वेलोसिटी चेंज मानेंगे ही। देखिए दो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है और स्पीड है, ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर चेंज हो या दोनों चेंज हो तो हम लोग उसको चेंज इन वेलोसिटी कंसिडर्ड करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसके साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है लेकिन उसका स्पीड वेरी कर रहा है, जैसा कि मैंने कंसेप्ट ने बताया कि उसका स्पीड अगर चेंज हो रहा है उसको एवरेज वेलोसिटी में मानेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ये हो गया कि कब कब हम लोग वेलोसिटी को चेंज मानेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग चेंज तब तब मानेंगे जब उसके मैग्नीट्यूड में चेंज है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका अगर जो वैल्यू है स्पीड की जो वैल्यू उसकी वेलोसिटी की वैल्यू उसमें अगर चेंजेस हो जाए या उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। अब निकालते हैं कैसे है इसको, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको अर्थमेटिक मीन जब निकालेंगे तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा। एवरेज स्पीड में क्या करते थे, टोटल पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन यहां पे वेलोसिटी है तो शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी और फाइनल में कितनी वेलोसिटी थी बाय 2 कर देंगे, ठीक है, उसका मीन ले लेंगे तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा। इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट से उसकी चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, इफ यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने का मतलब पार्टिकुलर डिस्टेंस में पार्टिकुलर टाइम पे पार्टिकुलर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, हर 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जैसे कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है अगले सेकंड में 3 हो गया उसके अगले सेकंड 4 हो गया उसके अगले सेकंड 5 हो गया उसके अगले सेकंड 6 हो गया, इस तरह से अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसका इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी का जोड़ करके बाय 2 करेंगे मतलब कि मीन निकालेंगे उसका तो वह हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, वहां पे हमें एवरेज वेलोसिटी वहां पे प्राप्त होगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में कितना इनिशियल वेलोसिटी था और फाइनल वेलोसिटी था उसका मीन निकालेंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है। एवरेज स्पीड में ध्यान रखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, तो यहां पे तो हम वेलोसिटी निकाल ही ले रहे हैं ना, शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी फाइनल में कितनी वेलोसिटी थी दोनों को जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे हमारा निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एक और चीज समझना है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में, और फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे हम लोग वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इतना डीपली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे डायरेक्टली यू वी का कंसेप्ट आएगा तो वहां पे समझने में काफी आसानी होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वी ए वी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो हर बार इतना लंबा चौड़ा तो लिखेंगे नहीं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, इतना हम लिखने जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन तो हो चुका, इसलिए फिर हम लोग इस जो शॉर्ट फॉर्म है इसका इसको लेके यहाँ पे हम चलते हैं। वी ए वी कर दिए तो एवरेज वेलोसिटी निकल गया, ए वी का मतलब एवरेज, यहाँ पे ए वी देख रहे हैं ये एवरेज हो गया, वेलोसिटी एवरेज कितना हो गया, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी बाय 2। यू और वी ही लेके चलने पे ही आसानी होगा क्योंकि बाकी सब लोग कन्वेंशन से यही यूज करते हैं, आप कुछ एबीसीडी भी ले सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन आप ही को होगा क्योंकि बाकी जगह यू भी चलेगा और आप दूसरा कोई लेके चलिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा और आप भी लिख के दीजिएगा तो अगला भी नहीं समझेगा, ठीक है, इसलिए कन्वेंशन के आधार पे ऐसा मान के चलते हैं, शुरुआत से माना जा रहा है सारे बुक में यही कंसेप्ट दे के रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करेंगे और यू प्लस वी बाई 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ओके। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं,
इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा गिवन डाटा हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस v अपॉन 2। अब यहाँ पे बताइए, अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 अगर लिखते हैं तो इतना लंबा चौड़ा लिखने में तो बहुत समय चला जाएगा ना, इसलिए जल्दी जल्दी का कैलकुलेशन करने के लिए और समझ में भी लोगों को आ जाए तो इसलिए इस तरह का हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। पूरे फिजिक्स में इस तरह का सिंबल्स यूज किए जाते हैं और आपको ध्यान रखना है कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, बार बार कोई इसको बताएगा नहीं, आपको u और v देख के समझ जाना है कि इसका मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है, v फाइनल वेलोसिटी को बता रहा है। ठीक है, अब बाई 2 कर दिए, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड बाई 2 जोड़ देंगे 40 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।